हेलो बच्चों, मेरा नाम है नरेश कुमार। मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ साइन कॉस क्लासेस में। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है, ठीक है, देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, राइट, और उसके बाद सॉल्यूशन करो। क्या क्वेश्चन है पहले हम लोग समझते हैं। इन अ स्टेप देयर आर 5 बुक्स, 5 बुक है, ईच ऑफ थिकनेस दे दिया है 20 mm का, एंड 5 पेपर शीट है, ईच ऑफ थिकनेस कितना दे दिया, इतना दे दिया। तो 5 बुक मतलब ये है कि तुम कोई भी 5 बुक ले लो। यहाँ पे कितना बुक है देखो, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 बुक, ये क्या है 5 बुक है तुम्हारा, ठीक है। और जिसमें हर एक का थिकनेस कितना दे दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ ईच थिकनेस 20 mm, मतलब एक का थिकनेस कितना दे दिया 20 mm। ये 5 बुक है ना, ये 5 बुक ऐसे रखा हुआ है, और इस पे पेपर भी रखा हुआ है। कितना पेपर रखा हुआ सर, 5 पेपर भी रखा हुआ, 5 बुक रखा हुआ, 5 पेपर रखा हुआ। बुक का थिकनेस कितना दे दिया है सर, 20 mm दे दिया है, और पेपर का थिकनेस कितना दे दिया है, इतना एमएम दे दिया है, इस तरह से रखा हुआ है। और पूछ रहा है टोटल का थिकनेस क्या होगा। अगर हम इसको टोटल का थिकनेस निकालना है, इसका और इस 5 पेपर का, 5 बुक और 5 पेपर का, तो क्या करेंगे, ये 5 बुक का थिकनेस प्लस 5 पेपर का थिकनेस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल थिकनेस आ जाएगा। यस या नो? यस। तो पहला हमारा टारगेट है, यानी हमको अगर निकालना है क्या, टोटल थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर। क्वेश्चन हमको समझ में आ गया सर कि क्या निकालना है हमको, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक मतलब स्टैक में जो रखा गया है 5 बुक और 5 पेपर, इसका टोटल हमको क्या निकालना, थिकनेस निकालना। तो कैसे निकालेंगे सर, टोटल बुक थिकनेस ऑफ द बुक प्लस थिकनेस, टोटल थिकनेस ऑफ द बुक, टोटल थिकनेस ऑफ द, थिकनेस ऑफ द, ऐसे लिखते हैं, थिकनेस ऑफ द 5 बुक्स प्लस थिकनेस ऑफ द 5 पेपर। अगर हम दोनों के थिकनेस को क्या कर देंगे, 5 बुक रखा हुआ है और 5 पेपर रखो, इन दोनों को थिकनेस को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल थिकनेस आ जाएगा। तो हमारा टारगेट है पहले 5 बुक का थिकनेस निकाले, फिर 5 पेपर का निकाले, और क्या कर दे, फिर ऐड कर दे, तो हमारा क्या आ जाए, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक आ जाएगा, क्योंकि एक स्टैक में इतना ही दिया है, 5 बुक रखा है और 5 पेपर रखा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, पहले हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाओ, ईच ऑफ द थिकनेस मतलब द थिकनेस ऑफ वन बुक, यस, थिकनेस ऑफ वन बुक, एक बुक का थिकनेस तुम्हारा कितना दिया हो, देखो यहाँ क्वेश्चन में 20 mm क्या दिया है। तो अगर एक बुक का थिकनेस 20 mm दिया है तो 5 बुक का थिकनेस ज्यादा होगा या कम, अफकोर्स ज्यादा होगा। तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स इक्वल टू, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, यानी 5 mm, इट मीन्स हाउ मच, 25 जा 100, और ये इतना mm हमारा क्या हो जाएगा, 5 बुक का थिकनेस हो जाएगा, राइट। अगला है नेक्स्ट, चलिए सर, 5 बुक का आपको थिकनेस आ गया, पहला तो ये आ गया, दूसरा थिकनेस ऑफ द 5 पेपर। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है इच मतलब द थिकनेस ऑफ वन पेपर दिया है ना, थिकनेस ऑफ वन पेपर, एक पेपर का थिकनेस कितना दिया है, 0.016 mm दिया है, ठीक है। हमको कितना पेपर का निकालना है बताओ, 5 पेपर का निकालना है, तो 5 पेपर का क्या हो जाएगा, अगर एक पेपर का इतना पतला है तो 5 पेपर का क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, पेपर का क्या हो जाएगा, 0.016 × 5 mm। मैंने क्या बताऊं, मल्टीप्लीकेशन करना है डेसिमल वाले को, तो थोड़ा देर के लिए डेसिमल को भूल जाओ और नॉर्मल जो मल्टीप्लीकेशन हो ऐसे करो, कितना, 16 × 5 = 80,
कितना डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 3, तो 1 2 और यहाँ 3, इतनी कितनी इसकी, इतना एमएम हमारा क्या आ गया, 5 पेपर का थिकनेस आ गया, 5 बुक्स का भी निकल गया, 5 पेपर का भी निकल गया। हमको क्या निकालना है, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक क्या होता है सर, थिकनेस ऑफ द 5 बुक, थिकनेस ऑफ द 5 बुक कितना है, 100 mm है, प्लस थिकनेस ऑफ द 5 पेपर, थिकनेस ऑफ द 5 पेपर कितना है, 0.080 mm, इट मींस कि हाउ मच, ऐड करो 100 प्लस यहां कुछ नहीं तो 0, डेसिमल के बाद डेसिमल के जगह डेसिमल पुट करो, किधर है ये 0.80 और इधर 0.0 कुछ नहीं तो 0.0.0, ऐड कर दो कितना होगा 0.80.001, इट मींस कि 100.080 mm, इतना क्या हो जाएगा तुम्हारा टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, इस तरह का तुमको अगर कभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, इसके अलावा कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तुमको आ रहा है या तुम्हारे किसी सीनियर, इट मींस कि 7th के बच्चे को या 8, 9, 10th के बच्चे को कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है या किसी टॉपिक में अगर डाउट है, तो क्या करना है तुमको, उसको बताओ या तुम खुद भी उसका स्क्रीनशॉट लो और क्या करो, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे और टेलीग्राम नंबर पे सेंड कर सकता है, उसको मैं वीडियो के फॉर्म में तुमको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये 7 से लेके 10th तक के बच्चों के लिए ये सुविधा प्रोवाइड है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, तो क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो।